about nested loops. Nested loops के respect में just previous session में discuss किया था, again we want to repeating it. Nested loops के format में always two types के loops manage करोगे, generally first case. Nested loop required का वो जब भी operations row and columns के form में apply करना है. Then इस case में आप सबसे पहले जब भी nested loop को manage करो, nested loops के case में two types के loops manage होंगे, outer loop and inner loops. इस किसी भी लूप का आउटर का इनर का एग्जीक्यूशन कितनी बार परफॉर्म हुआ डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोज. अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड आउटपुट के अंदर अगर फोर रो है देन आउटर लूप कितनी बार मैनेज करना, लॉजिकली फोर टाइम्स. सेम एज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, फाइव कॉलम्स, देन इनर लूप किसके रिस्पेक्ट में मैनेज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर टोटल फाइव कॉलम्स हैं देन लॉजिकली इनर लूप कितनी बार मैनेज करो, फाइव टाइम्स. सपोज दैट रो कितनी है, फोर, एंड कॉलम्स कितने, फाइव. आउटर लूप कितनी बार चलेगा इस केस में, फोर टाइम्स. फोर टाइम्स लूप मैनेज करने के सिंपली यूज क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू फोर, एंड आई प्लस प्लस. मीन्स लॉजिकली इस लूप का इटरेशन कितनी बार हो रहा है, फोर टाइम्स. सिमिलरली अगर कोई भी लूप फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट करना यूज क्या करो, फोर, जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू फाइव, जे प्लस प्लस. देन अगर आउटर और इनर के फॉर्म में मैनेज करना, सबसे पहले क्या है, आउटर बिगिनिंग ऑफ द बॉडी, देन इनर बिगिनिंग ऑफ द बॉडी, एंड लॉजिक्स ऑफ इनर लूप, क्लोजिंग, क्लोजिंग. इस टाइप से नेस्टेड लूप मैनेज करना जस्ट पॉसिबल होगा. देन सिंपली एक कोड राइट डाउन करो, मैं इस कोड को इटरेट कराऊंगा विद रिस्पेक्ट टू फॉर टू परफॉर्मिंग मोर प्रैक्टिसेस अबाउट नेस्टेड लूप्स. मीन्स नेस्टेड लूप्स के रिस्पेक्ट में करंटली ओनली सिंगल सेशन में इस केस में डिस्कस करूँगा. उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी लॉजिक्स एग्जीक्यूट करेंगे देन मैं कंसीडर करके चलूंगा आपको, पर्टिकुलर केस ऑलरेडी क्लियर्ड है. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पर्टिकुलर सेशंस आपको प्रॉपरली वॉच करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट कमिंग प्रोग्राम्स. इन दैट केस वी आर राइटिंग सम कोड, मीन्स वी वांट टू डिस्प्लेइंग सम रिजल्ट, मीन्स लाइक दैट टू कॉलम्स, मीन्स थ्री कॉलम डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मीन्स वैल्यू, एनी वैल्यू और एनी नंबर्स, एंड टू रोज लाइक दैट. इस केस में अगर कोई लूप रिटेट करना, मीन्स किस टाइप से मैनेज करेंगे. इसी केस में अगर बात करें नंबर ऑफ रो कितनी है, टू रो. अगर आपको थ्री रो मैनेज करना देन लूप कितनी बार चलेगा, थ्री टाइम्स. मीन्स दिस वन इज, मीन्स रो के रिस्पेक्ट में मैनेज क्या करना आपको, आउटर लूप, और कॉलम्स के रिस्पेक्ट में मैनेज क्या करना, इनर लूप. कॉलम्स कितने, थ्री, इसलिए इनर लूप कितनी बार चलाना होगा, थ्री टाइम्स. मोस्ट ऑफ केस में आउटर लूप आई के थ्रू मैनेज करूंगा और इनर लूप ऑलवेज जे के थ्रू मैनेज करेंगे, लाइक दैट. अगेन सम प्रोग्राम, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. प्रोग्राम सिंपल है, ओनली इसको प्रैक्टिस करना, मीन्स नंबर ऑफ इटरेशंस और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस. आई इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस इंटीजर आई कॉमा जे. नेक्स्ट वन फोर लूप. सबसे पहले मैं डायरेक्टली आउटर लूप मैनेज कर रहा हूँ. नंबर ऑफ रो कितने इस केस में, टू रोज, देयरफॉर वी आर इनिशियलाइजिंग बाय वन. देन चलाना कब तक, जब तक आई का वैल्यू टू से छोटा है और इक्वल है. आई प्लस प्लस, देन इनर लूप फोर, जे इक्वल्स टू वन. इनर लूप कितनी बार चलाना, थ्री टाइम्स, वन टू अप टू थ्री. J less than equals to 3 and J plus plus like that. Then इस केस में ऑपरेशंस कुछ भी राइट कर रहा हूँ, एनी ऑपरेशंस. प्लस इस प्लेस पर वन मोर थिंग्स राइट डाउन कर रहा हूँ, सिंपली प्रिंट एफ स्लैश एन. एवरी टाइम इनर लूप कंप्लीट होने के बाद मैं लाइन चेंज कराऊंगा यूजिंग प्रिंट एफ स्लैश एन. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. मीन्स इस केस में कोई भी ऑपरेशन राइट डाउन कर लेते हैं. सपोज दैट वी आर प्रिंटिंग प्रिंट एफ परसेंट डी सम स्पेस देन आई मल्टीप्लाई बाई जे. डिस्प्ले क्या करा है इस केस में, सिंपली आई मल्टीप्लाई बाई जे. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस कोड. आउटपुट में डिस्प्ले कराऊंगा ऑन द मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. इनिशियली कर्सर किस प्लेस पर होगा, ऑन द फर्स्ट लाइन. पोजिशन राइट डाउन करना है लाइन नंबर के रिस्पेक्ट में, लाइन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन. सेम है कॉलम्स और डायमेंशंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन लाइक दैट. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. इनिशियली जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वन
देन सेकेंड केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग टू वेरिएबल डिक्लेरेशंस, वेरिएबल आई एंड वेरिएबल जे, आई एंड जे। इनिशियली आई एंड जे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस केस में लूप एग्जीक्यूट हुआ, इनर लूप, इनर लूप के केस में सबसे पहले आउटर लूप के केस में परफॉर्म क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, आई इज इनिशियलाइज्ड बाई वन। सेकेंड केस क्या रहेगा, नेक्स्ट फोर्थ केस, वी आर राइटिंग सिक्वेंस हियर, फोर्थ केस कंडीशन टेस्टिंग, टू कंडीशंस है अगेन, कंडीशंस फॉर आउटर लूप, कंडीशंस फॉर इनर लूप, दिस वन इज कंडीशंस फॉर आउटर, दिस वन इज कंडीशंस फॉर इनर। मीन सिंपली ये प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करा ओनली फॉर जनरेटिंग सम फैक्ट्स रिलेटेड टू नेस्टेड लूप्स और सम प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट ऑन आउटर की केस में कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू टू, आई लेस देन इक्वल्स टू टू। इन दैट केस जैसे कंडीशन टेस्ट हुआ, करंटली मेमोरी के अंदर आई का वैल्यू फाउंड हो रहा है वन, देयरफॉर वी आर रिप्लेसिंग वन लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर कंट्रोल कंसेंट हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ इनर आउटर लूप, आउटर लूप के बॉडी के अंदर प्रोवाइड क्या किया, इनर लूप विद प्रिंट एफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इनर लूप के केस में भी अगेन परफॉर्म क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन फोर एंड सिक्वेंस नंबर इज फाइव। फिफ्थ केस में परफॉर्म क्या हुआ, जे इक्वल्स टू वन, ना वेरी वेल जे इज इनिशियलाइज्ड बाई वन, जे वैल्यू बिकम्स वन। नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू वन होने के जस्ट बाद देन कंट्रोल कांस्टेंट करेगा इनिशियलाइजेशन के बाद। कंडीशन टेस्टिंग सिक्स्थ केस, सिक्वेंस सिक्स, जे लेस देन इक्वल्स टू थ्री, इनर कंडीशन क्या है, जस्ट जे लेस देन इक्वल्स टू थ्री। इस केस में चेक करेंगे वन आउटर लूप के सिंगल इटरेशन के लिए इनर लूप का इटरेशन कितनी बार परफॉर्म हुआ, थ्री टाइम्स, बिकॉज इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एवरी टाइम थ्री टाइम्स। जे का वैल्यू क्या है करंटली वन, वन लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के इसमें कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी ऑफ इनर लूप, इनर लूप के केस में सिक्स्थ वर्मी से प्रिंट एफ को मैं सिक्वेंस रन करा रहा हूँ एज अ सेवंथ सिक्वेंस। सेवंथ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर रहा आई मल्टीप्लाई बाई जे, करंटली आई और जे दोनों का ही वैल्यू वन है, इसलिए आउटपुट में क्या डिस्प्ले हुआ, सिंपली वन देन स्पेस, बिकॉज ऑफ दैट स्पेस। नेक्स्ट वन इसका कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जे प्लस प्लस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स सिक्वेंस क्या, एट्थ सिक्वेंस फॉर जे प्लस प्लस, मीन्स दैट वन। जे प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जे वैल्यू बिकम्स टू, जे का वैल्यू क्या हो चुका है टू, और सिंपली वी आर राइटिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, वैल्यू ऑफ जे बिकम्स टू। नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल का सेंड करेंगे कंडीशन टेस्टिंग नाइन्थ केस, जे लेस देन इक्वल्स टू थ्री, जे वैल्यू इज टू, टू लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू है फिर से चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, प्रिंट एफ नाइन, प्रिंट एफ आई मल्टीप्लाई बाई जे, आई इज वन जे इज टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा टू। नेक्स्ट वन अगेन जे प्लस प्लस, नाइन के बाद नेक्स्ट प्रिंट एफ का सिक्वेंस क्या था, टेंथ सिक्वेंस। देन इलेवंथ केस में अगेन क्या परफॉर्म हो रहा है, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस होने से जे का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा थ्री। देन कंडीशन टेस्टिंग थ्री लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन इज अगेन ट्रू, सिक्वेंस क्या है इसका, टेन इलेवन ट्वेल्व, कंडीशन ट्रू है। देन अगेन प्रिंट एफ को चांस मिलेगा वन मोर टाइम थर्टीन, प्रिंट एफ से क्या डिस्प्ले करा, आई मल्टीप्लाई बाई जे, आई इज वन जे इज थ्री, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा थ्री, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा सिंपली थ्री। नेक्स्ट वन अगेन थर्टीन का फोर्टीनथ सिक्वेंस क्या है, जे प्लस प्लस, ना जे बिकम्स फोर, वैल्यू ऑफ जे बिकम्स फोर, मीन्स फोर मीन्स क्या रेफर क्या करेगा फोर्थ कॉलम, लेकिन आउटपुट में कितने कॉलम मैनेज करना था, ओनली थ्री कॉलम्स, चेक करो उस केस में कंडीशन फॉल्स होने चांसेस हैं। जस्ट फोर्टीन के बाद नेक्स्ट केस क्या है फिफ्टीन, फिफ्टीन केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, कंडीशन टेस्टिंग जे लेस देन इक्वल्स टू थ्री, जे वैल्यू इज फोर, लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन बिकम फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो चुका है इसका मतलब क्या, कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे, मीन्स जब आउटर लूप वन टाइम अभी एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इनर लूप के एग्जीक्यूशन कितने हो चुके हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन थ्री एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वन अगेन फिर से कंट्रोल कहाँ सेंड करें, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, थर्टीन मीन्स फिफ्टीन के बाद नेक्स्ट सिक्वेंस क्या, सिक्सटीन, प्रिंट एफ स्लैश एन, स्लैश एन से कर्सर कहाँ जाएगा, ऑन द नेक्स्ट सेकंड लाइन, नेक्स्ट एन जो भी आप डेटा डिस्प्ले कराओ कहाँ डिस्प्ले, ऑन द सेकंड रो और सेकंड लाइन। नेक्स्ट वन सिक्सटीन के बाद कंट्रोल कॉन्सेंट करेंगे इंक्रीमेंट सेशन ऑफ आउटर लूप, सेवनटीन आई प्लस प्लस,
i becomes 2, then i++ के बाद अगेन 18th केस क्या है, कंडीशन टेस्टिंग इनर लूप के लिए, आउटर लूप के लिए i का वैल्यू क्या करंटली 2, 2 less than equals to 2, condition still true, condition again true है, फिर से control constant हुआ inside body of inner loop के अंदर control आगा, फिर से perform क्या हुआ इसके लिए, initialization then condition then body then increment decrement, initialization के according sequence के 19, now again j is initialized by 1, j के case में फिर से new value क्या हुआ, j का 1, next time initialization के बाद j के case में क्या, again condition testing, 20th case, कंडीशन टेस्ट कराएंगे जे के केस में जे का वैल्यू पुट करेंगे एज 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन स्टिल ट्रू कंडीशन ट्रू होने के बाद चांस किसको मिलेगा बॉडी एग्जीक्यूशंस 21 डिस्प्ले क्या कराएंगे आई मल्टीप्लाई बाय जे करंटली आई का वैल्यू 2 है जे का वैल्यू 1 है मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा सिंपली 2 नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा नेक्स्ट वन अगेन 21 देन 22 इसे इटरेशन कौन सा सेकंड 22 अगेन जे प्लस प्लस वैल्यू ऑफ जे बिकम्स 2 then condition testing condition again next time test होगा मिसे sequence क्या 23 23 में condition test कराएं condition क्या 2 less than equals to 3 condition again true true होने पर control send करें inside body of loop display क्या कराएंगे इससे इस 24 के केस में again display क्या कराएंगे i multiply by j 2 multiply by 2 is 4 therefore message displayed as 4 next one 16 क्या था 24 24 के बाद 25th केस क्या है अगेन j++ आई थिंक 23 24 j++ अगेन होगा तो इसके केस में j के अकॉर्डिंग j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग 25 देन 26 कंडीशन टेस्ट कराएं अगेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाइनल इस केस में कोई सीक्वेंस मिस हुआ शायद जो भी है 26 के केस में परफॉर्म क्या हुआ अगेन j लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन फिर से टेस्ट कराएं देन j का वैल्यू क्या 3 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन स्टिल ट्रू कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी 26 प्रिंट एफ से फिर से डिस्प्ले हुआ i मल्टीप्लाई बाय j i इज 2 j इज 3 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 मैसेज डिस्प्लेड है 6 27 सीक्वेंस के अगेन j++ j++ हुआ तो j की वैल्यू क्या होगी 4 नाउ नेक्स्ट वन अगेन 28 कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन टेस्ट कराएंगे 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स है देन कंट्रोल कहां आएगा आउटसाइड लूप देन चांस किसको मिलेगा 29 की केस में स्लैश एन से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा इसके जस्ट बाद i++ 13 30 i++ होने से i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग 31 i लेस देन इक्वल्स टू 3 i वैल्यू इज 3 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन बिकम्स 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 कंडीशन बिकम फॉल्स फॉल्स होने के केस में कर्सर कहां सेंड हो जाए आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप तो फाइनली लास्ट सीक्वेंस क्या है 32 इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम अगेन इस प्रोग्राम के केस में अगर ऑब्जर्वेशंस चेक करें तो ऑब्जर्वेशंस क्या है आउटर जितनी बार आउटर लूप चल रहा है आउटर लूप के एवरी एग्जीक्यूशंस के लिए इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा 3 टाइम्स क्योंकि इनर लूप का एग्जीक्यूशन लॉजिकली कितनी बार कराया था 3 टाइम्स अगर 4 टाइम कराया तो देन 4 टाइम्स प्लस इस केस में आउटर लूप 2 टाइम्स चलाया इसलिए नंबर ऑफ रो भी कितने प्रिंट हुए 2 रो इनर लूप एवरी टाइम 3 टाइम्स चला एवरी रो के केस में इनर लूप से कितने वैल्यू प्रिंट हुए 3 वैल्यू रिस्पेक्ट टू एवरी लूप is the observations based on inner outer then we are practicing more examples.